ऐसी है, सबसे पहले इसका ये ग्रीन वाला बटन है ना, ये ऑन करना है, ये स्टार्ट हो जाएगा। खुदा ना खासा स्टार्ट ना भी हुआ ना, तो उधर से हमने एक जम्पर लगाना पड़ेगा। ये सलफ की गुग्गी है और ये बैटरी का पॉजिटिव है। इसमें और इसमें लूप करेंगे ना, तो सलफ ने हल्का सा झटका लेना है, हल्का सा झटका लेके ये इधर से स्टार्ट नहीं होगा, उधर से फिर ग्रीन वाला बटन दबाएंगे फिर स्टार्ट। इसकी क्या वजह, अगर इसी से सलफ में प्रॉब्लम है, सलफ में प्रॉब्लम है, सलफ में प्रॉब्लम है। जब सलफ की प्रॉब्लम सही हो ना, तो फिर ये मसला नहीं आता। ठीक है, ये ग्रीन वाला बटन दबाना है, स्टार्ट हो जाएगा, तकरीबन कोई 30-40 सेकंड बाद वो ब्रेकर ऑन करना है, सप्लाई उधर पहुंच जाएगी। इसी ये इसका मेन्यू है, मैनुअल, ये अम्पेयर, इधर अम्पेयर आ जाएंगे, एयर कितना अम्पेयर जनरेटर पर लोड चल रहा है। और ये अम्पेयर हैं रेड, येलो, ब्लू, तीनों फेसों के अलग अलग अम्पेयर आ जाएंगे। ठीक है, इसको बाद में बैक करना है तो इधर आ जाएंगे। ये खाली बैक की ऑप्शन है, ये खाली बैक की ऑप्शन है, ये मेन्यू है इसका, इससे आगे पीछे। ये जो है ना, ये लाइन और न्यूट्रल, इस पर न्यूट्रल टू फेस वो वोल्ट आएंगे, नीचे अम्पेयर आ जाएंगे। हाँ, नीचे अम्पेयर आ जाएंगे, ये लाइन टू लाइन अम्पेयर आएंगे, ये खाली बैक है। और जब ये बंद करना है ना, तो सबसे पहले इसका उधर से चेंज ओवर होगा, उसके बाद ये बंद होगा ब्रेकर। ठीक है, और उसके बाद ये ना रेड वाला बटन दबा देना, ये जो लाल ये चल रही है लाइट, ये चलेगी तकरीबन 3 मिनट बाद ना, ये खुद बंद हो जाएगा।